नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में रोज़मर्रा के जीवन जीने के लिए कई जरूरी और उपयोगी बातें बताई गई हैं। अगर हम लोग इनका ध्यान रखते हैं और अपना आचरण शास्त्रों के अनुसार करते हैं, तब हमें इसके दिव्य एवं चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर एक, दोस्तों शास्त्रों में इस बात को बताया गया है कि हमें अपना भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, भोजन मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो कि खाना खाने से पहले पढ़ा जाता है। जब हम लोग इस मंत्र को पढ़ते हैं, तब उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं, तब हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होता है। दोस्तों, भोजन मंत्र एक ऐसा माध्यम होता है जो कि हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमें इस बात को कहता है कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उससे हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो, और साथ ही साथ इस भोजन को देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद भी करता है। इसी कारण से हमें भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। नंबर दो, हर नंबर का अपना एक खास महत्व होता है। कुछ नंबर बेहद ही शुभ माने जाते हैं, तो वहीं पर कुछ नंबर बेहद ही अशुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि कभी भी भोजन की थाली में तीन रोटियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तीन नंबर को अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके भोजन में काफ़ी नकारात्मकता आ जाती है, जिसका आपके शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से हमें थाली में एक साथ तीन रोटियाँ नहीं रखनी चाहिए। नंबर तीन, दोस्तों शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि हमें खाना हमेशा ही ज़मीन पर बैठ करके खाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ज़मीन पर बैठ करके खाना खाते हैं, तब हमारे पैरों की उंगलियां सीधे ज़मीन के संपर्क में होती है, जिसके कारण से ज़मीन की सकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों की उंगलियों से होते हुए हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करती है। और ऐसे समय पर जब हम लोग भोजन को ग्रहण कर रहे होते हैं, तब हमें भोजन से और भी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है, और साथ ही साथ वो भोजन पहले के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। नंबर चार, दोस्तों शास्त्रों में इस बात को भी कहा गया है कि हमें खाना खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का अपमान होता है, जिसके कारण से व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक तथा मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है। नंबर पाँच, दोस्तों शास्त्रों में इस बात को भी कहा गया है कि हमें कभी भी जूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जूठा खाना हमेशा ही कचरे में जाता है, और जब भोजन कचरे में जाता है, तो ऐसा होने से माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी जी का काफ़ी अपमान होता है, क्योंकि भोजन हमारे जीवन में काफ़ी बहुमूल्य माना गया है। हमें भोजन का सदैव सम्मान करना चाहिए, इसीलिए आप लोग जितना खाना खाएं थाली में उतना ही खाना मांगें।